उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें की मुझसे, हाँ? जब प्यार का प्रूफ मांगा तो साफ सुन गया, पसंद हो मेरा मतलब जब सिर झुकाती हो तो पसंद हो। टेंथ क्लास में दो बार फेल हुई और बोला कि मेरी वजह से, अभी इंटर सेकेंड ईयर है। अब तो ये सब बातें छोड़कर अच्छे से पढ़ लो, क्या चाहती हो टेंथ की तरह फिर से फेल होना चाहती हो? इस बार तो पास भी नहीं होगी। कुछ प्रेम कहानियां कब कहां कैसे शुरू हो जाती हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही शुरू हुई है ये प्रेम कहानी। चंदू को कहीं देखा? कहाँ चला गया ये? फोन कर लेना। स्विच ऑफ है यार। क्या हुआ, इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? चंदू को आपने देखा है क्या सर? नहीं तो किधर गया होगा यार? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई होगी ना? अगर ऐसा हुआ होता तो न्यूज़ पे पता चल जाता। अरे ए, सुनो रे। ए, जल्दी चल। नहीं अभी नहीं। चल, अरे चलना। ले इधर ही ले। चंदू, ए चंदू, 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 उठ यार, चंदू, उठना, ए चंदू, ए चंदू, ए चंदू, चंदू, उठना, चंदू, 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 सुन, चंदू, अरे यार
चंदू से। चंदू उठना। चंदू मुझे यकीन है कि वो मेरे पास वापस आएगी। मुझसे बोले बगैर कुछ भी नहीं करता है तू। ऐसे में 3 दिन से फोन स्विच ऑफ करके इधर इधर पड़ा है। पागल हो गया क्या तू? क्या हुआ तुझे चंदू, बोल ना। लावण्या। लावण्या को क्या हुआ? वो मुझसे दूर चली गई है। क्या अक्षय? देरी तो क्या रे? देख, वीकेंड के बाद मंडे ऑफिस जाने के लिए सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज कितने दुखी होते हैं। चंदू भी उतना ही दुखी है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शादी में आई हुई लड़कियों का क्या कसूर है? इसीलिए थोड़ा स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं, तू भी स्टाइल बनाना। रहने दे रहने दे। अपने माँ बाप की बात मानकर ये शादी के लिए राजी हो गई होगी। तुझे देखते ही शादी के मंडप से भाग आएगी वो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगी। डिप्रेशन में सब कुछ नेगेटिव ही लगता है। बी पॉजिटिव यार। वो तो उसके खून में ही नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना यार। अरे हन्ना। हाँ चलना ही है यार। अबे चुप बे। ए चल यार। ए देख, कोई नजर तो नहीं रख रहा। आगे बैठ। अरे वो इतना समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे फंक्शन के लिए हॉल बुक करके और पंडित बुलाने से कहीं शादी नहीं हो जाती है यार। आप करिए, आप अपना काम करिए। वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है यार, हीरोइन बिलोंग्स टू हीरो, है ना? फोन में बैलेंस रहने से कुछ नहीं होगा, बात करने के लिए सिग्नल्स भी चाहिए। इसीलिए हिम्मत करके आए हैं। एक बार तुम्हें देखकर सिग्नल देने के लिए बोल, कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। वैसे उसके सिग्नल का इंतजार क्यों करना है? डायरेक्टली उसके रूम में जाके हम लोग पूछ ही लेते हैं ना। तू तो ऐसे बात कर रहा है कि शादी के लिए हम लोगों को स्पेशल बुलाया गया है। उधर देख, इधर भी देख। ज्यादा होशियारी किया ना तो तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी, समझा? ए समझा ना। ए हम लोग आ गए हैं। ओके यार, ओवर। देख बाहर अपने लोग तैयार बैठे हैं। देख यार, तेरी मदद के लिए कितने सारे दोस्त आए हैं, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर कूल रहना। ए बच्चों, यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? चलो बाहर जाओ। अरे नालायक कहीं के, पहले वो हॉर्न बंद कर। देख जल्दी से तैयार हो जा, इस हॉर्न से मेरा सिर दर्द कर रहा है। हाँ हाँ आ रही हूँ। देखिए तो कैसी लग रही है? कुछ खास नहीं लग रही, रोज जैसी लगती है वैसी लग रही है। जा दादी, तुम्हारी तो कूटो, अच्छे से कूटो। तुझे ही कूट दूंगी। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। इसका पागल पर नहीं जाएगा ना? ये नहीं बदलने वाले, तू अंदर आ जा। हाँ रुक 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 चंदू, एक मिनट। हाँ अब आज क्या भूल गई? कुछ भूली नहीं हूँ, दीदी भी हमारे साथ आ रही हैं। दीदी कब आई? उन्होंने कॉलेज चेंज किया है, आज उनका फर्स्ट डे। हेलो, ये फालतू बातें छोड़ो, जाओ उसको बुलाओ। दीदी जल्दी आइए। अरे रुक जाना, उसे रेडी तो होने दे। ए दादी, तो मुझे क्यों जल्दी जल्दी में बुलाया? तू नहीं आ रही थी इसलिए वो हॉर्न बजा रहा था, और मेरा सिर दर्द हो रहा था इसीलिए। सही बोली दादी। बेटी लावण्या जल्दी आ जा। बेटी लावण्या। हाँ आ रही हूँ। दादी कैसी लग रही हूँ? मेरी प्यारी गुड़िया, बिल्कुल अपनी दादी के जैसी लग रही है, बहुत सुंदर। दादी
फ्लैशबैक नहीं चाहिए। वो चल रही है तुझसे, तू जा बेटी। ओके बाय। बाय बाय बेटा। बाय मम्मी। हाँ इलाना बहुत हो गया, जाकर अपना सब काम देखो, जाओ। और क्या हुआ रामा प्रभा? अरे यार उसने मना कर दिया, मैं क्या करूं? उसने ऐसा क्यों कहा तुझे? पता नहीं यार, लगता है कोई और पसंद आ गया है उसे। दीदी तुम रुको, सुनो दीदी को उनके कॉलेज ड्रॉप कर दो और इवनिंग में पहले इन्हें पिकअप करके फिर हमें लेने आना। ओके ओके मैम। I'm Chandu. Lavanya. Which year? BSc final year. Science या maths? Computers. ये सारे लोग आजकल computer course करके foreign चले जाते हैं। अरे BA या BSc करके आप लोग politics भी तो join कर सकते हैं। वो तो पढ़ने से भी politics में आ सकते हैं। बिना पढ़े तो politics में आ ही नहीं सकते। तुम कहाँ तक पढ़े हो? Graduate. कौन सी stream? BA. क्या politics में आने के लिए? नहीं जी मुझे interest नहीं है। तो फिर मुझे क्यों कहा? एक बात कहूँ? आपको पता है इंडिया में सबसे आसान चीज क्या है? दूसरे को मुफ्त की सलाह देना। वैसे लावण्या आपके टूथपेस्ट में नमक, लौंग और नींबू तीनों है क्या? क्यों? आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। वो सब डालने से चटनी बनती है, पेस्ट नहीं। बाय। बेटा टैबलेट्स लाया क्या? नहीं माँ आज लाऊंगा। वो क्यों लाएगा? कॉलेज छोड़ के सिर्फ 2020 का मैच खेलता है, टैबलेट्स क्यों लाएगा? अरे कभी पेरेंट्स के बातों पे ध्यान दिया कर। पापा आप भी अपने बेटे के प्यार को टैबलेट से क्यों तोल रहे हो? टैबलेट्स मैं ले आऊंगा आपके लिए। नेताओं की तरह बोलना सीख गए हो। क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ मैं। लो आ गया। हाँ आ रहा हूँ। वैसे उन फालतू लड़कों से दोस्ती क्यों कर रखी है? अरे चल यार तू चल। ठीक है। हाय अंकल। आंटी। हाँ टैबलेट्स आंटी, आपको कल रात को ही देना था, मैं भूल गया। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। चलता हूँ अंकल, चलो चलते हैं। तू जब मैं आता हूँ। आ जाओ मैं वेट कर रहा हूँ। आपने हमारी फ्रेंडशिप के बारे में पूछा था ना डैडी? फ्रेंडशिप कभी लखपति या करोड़पति देखकर नहीं की जाती है डैडी, वो तो सिर्फ दिल देखकर अपने आप हो जाती है। दोस्ती पैसों से बड़ी होती है। इसीलिए बोला था कि मैं पहले आना चाहिए। तू भी तो पहले आ सकता था ना। नॉनसेंस। हेलो कौन था? कस्टमर केयर वाले? कोई सुबह से फोन कर रहा है, जैसे उठाओ काट दे रहा है। कॉल बैक करो। क्या हुआ? स्विच ऑफ है। यही नंबर तो दे मैं ट्राई करूंगा। ए, छोड़ना यार। भैया ये पिच हमारी है, आप कहीं और खेल लीजिए ना। क्या रे तूने पिच पर अपना नाम लिखवा लिया है क्या? चल निकल। अच्छा ठीक है चलो बैट मैच खेलते हैं। ए, पक्के प्रोफेशनल लग रहे हैं, हम ही कहीं और खेलते हैं। कितने की बैट लगाओगे? पर हेड 1000 रुपीज। खेलेगा? हे मैन यू मीन पर हेड 1000 रुपीज? 1000 × 11 heads, 11,000। बहुत महंगा है, हमें नहीं खेलना। ए, हम ही कहीं और खेलते हैं। ए, एक बार जब बैट लग गई तो लग गई। ए, सुनो लड़कियां भी हैं। रूल्स क्या है? इंटरनेशनल मैच रूल्स। लेकिन एक शर्त है, वाइड नो बॉल के लिए कोई रन नहीं। क्यों? तू वीक है? तू स्ट्रांग है, ऐसा डॉक्टर का सर्टिफिकेट है तेरे पास? ओके लेकिन दोनों टीमों का अंपायर एक ही रहेगा। कौन है? रेशमी। ये कमाल है। अनु। ये धमाल है। दैट गर्ल दिस गर्ल मेरे लिए ओके। हमारी टीम के लिए ओके। ए, मैच जीत के हम पार्टी करेंगे। ओके हेलो
अब ये मैच तुम जीतोगे या फिर हम लोग जीत के पार्टी करेंगे ये तो टॉस के बाद ही डिसाइड होगा। तुम में से कप्तान कौन है? ये है। हेड या टेल्स? टेल्स। टॉस मैंने जीता है। ओके। बैटिंग तेरी। क्या बात है? कम ऑन। ए, रन मत ले यार। अरे 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 अरे। अरे। ओ नो शिट। ये यार। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी। स्कोर 30, 10th ओवर रनिंग। ए बेब, मेरी बैटिंग देखोगी? जाके पहले बैटिंग तो कर। थोड़ा रुक जा। चल करना। गुड शॉट यार, गुड शॉट। जिनू इसकी बॉल में सीधे छक्का मारना। ओके ड्यूड्स, बहुत घूम लिया, अब बॉल घुमा। कम ऑन सिनू, कम ऑन, छक्का लगना चाहिए, छक्का, कम ऑन। हे, अरे नो, अरे क्या कर दिया तूने? फिट ओवर रनिंग। ए चंदो, ऑल द बेस्ट यार। कम ऑन चंदू, बढ़िया खेलना। कम ऑन, बस चौके और छक्के लगाना। कम ऑन, ये उड़िया बॉल। बहुत अच्छे। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिक्स। क्या बात है? कम ऑन। आउट। फाइनल स्कोर इज 90 रन, 91 टू विन। ग्रेट। ए, सोचा था स्वाति के लिए गिफ्ट खरीदूंगा यार। अरे वो मैंने पार्टी के लिए रखा था। कुछ भी करके मैच जीतना ही है, समझ गया ना? और उनके साथ खेल के हम लोगों ने गलती कर दिया। ए, कार से फ्री में घुमाऊंगा बोल के तूने हमको बुलाया ना? अरे तुम लोग डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? अभी हमारी बॉलिंग बाकी है। क्या उखा सकते हैं, एक बार उनको देखो, बैट पकड़े हुए सांड की तरह दिख रहे हैं। 120 बॉल में 90 आराम से ठोकेंगे। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या है भैया? फील्डिंग हल्की करेंगे तो 50% ऑफ देंगे। 50% क्या ब्रो, पूरा देंगे। थैंक यू ड्यूड्स, अभी से ही हार गए। तुम लोगों की तो अब वाट लगा देंगे। हे, ऐसे खड़े भी रहोगे या बॉलिंग करोगे? हाँ सुनो, हमें किसी भी हाल में ये मैच जीतना ही है। ओके हाँ, ओके ओके। क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन बॉल है, वो भी ऐसे ही। गलती मत करना। इजी 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 इजी। अरे क्या कर रहा है यार? कूल 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 रहे, कूल। एक बॉल में दो ही तो रन लेने यार। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, कम ऑन। बहुत अच्छे। फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मांगा था।
अब क्या हुआ? पूरा ही चला गया, तभी बात मानते तो अच्छा होता ना। ए सॉफ्टवेयर, तूने ही मुझे आउट किया था ना, तुम्हें याद रखूंगा। चंदू तूने तो हमारी किस्मत बदल दी यार। बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ए, तुम लोग पैसे कलेक्ट कर लेना, मैं शाम को मिलता हूँ, ठीक है? बाय बाय गाइस। क्या चीज है? हेलो महेश बाबू, जैसे एक्टिंग बहुत कर ली, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों, मैं क्या खराब हूँ? हमेशा चिकन पकोड़ा क्या खाएंगे, कभी कभी केएफसी भी ट्राई करना चाहिए ना। हाय। हाय। हेलो, वो हाय तुम्हें नहीं कह रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड कोई और है। हाय। चले। कौन है री वो? फिश मार्केट चेयरमैन मोहन राव की बेटी है। निकलते ही बॉयफ्रेंड के साथ चिपक गई। तो कैसा लगा नया कॉलेज, नए फ्रेंड्स? या नाइस। ये लीजिए। किस लिए? एक्चुअली मुझे सिगरेट पीनी थी तो मैं पी के आ गया, आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, इसलिए आपके लिए चॉकलेट। खाना है तो खाइए, पर ना कोई बात नहीं। थैंक्स। आज तो मैच जीत गए ना। थैंक यू। हमें रोज कॉलेज ड्रॉप करने के बाद ये फ्रेंड्स के साथ मैच खेलने जाता है। जीतेगा तो ऐसा, हारेगा तो ढीला। फिर कार ओनर कुछ नहीं बोलेगा क्या? अरे ओनर यही है दीदी। सुपर मैच था यार, उन सब के चेहरे पर हार देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। पूरी टीम के छक्के ही छुड़ा दिए। अरे भाई अब... अरे समझाओ इसे। अरे क्या, यार क्या कर रहा है रे? क्या यार तू भी बस कर। हमेशा अपनी बेइज्जती करवाता है, इसे तो शर्म भी नहीं आती। सही का। ए, उठ अब नीचे बैठ। अजीब आदमी है जी। देख बे, ओवर एक्टिंग करेगा तो तेरा यही हाल होगा। ए, किसने मेरी कुर्सी ली? ए, तूने ली मेरी कुर्सी? क्या बोला बे? कुछ नहीं भाई, यहाँ एक खाली कुर्सी है, वो लेता हूँ। सलतार का पेड़ जिराफ लग रहा है, पता नहीं क्या खाता है। मजा आया यार। ये लड़कियाँ ऐसा क्यों बिहेव करती है? बात क्या है वो बता। गिफ्ट मिलने तक दिखाती है, हमारे लिए ही पैदा हुई है, मिलने के बाद कब जाएगा इसका इंतजार करती है। इनको दिए हुए गिफ्ट की शॉप भी डाल देता ना तो भी मेरी लाइफ बन जाती। ए, एक बियर बोल दे। तू हमेशा पीता है, कभी बिल भी पे कर दिया कर। क्यों बेटर? इतना चिल्ला क्यों रहा है? भैया बियर का ऑर्डर देना था। ठीक है बोल। एक बियर भाई, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे भाई तेरी गर्लफ्रेंड कौन सी क्लास में पढ़ रही है? डिग्री पढ़ रही है। डिग्री? ए, डिग्री करने वाली को प्रपोज करना बोले तो वेटिंग लिस्ट में तत्काल टिकट बुक कराने के बराबर है। कन्फर्म होगा या नहीं ये बहुत कम चांस होता है। अगर इंटर पढ़ी लिखी बोले तो RAC में टिकट बुक करने जैसा है, यहाँ कन्फर्म होने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। और टेंथ और नाइन्थ पढ़ने वाली को बहुत जल्दी बुक कर सकते हैं। सही का, मेरे ख्याल से छठी सातवीं की लड़की को आई लव यू बोलना अच्छा रहेगा। इतनी छोटी लड़की को पटाएगा, शर्म नहीं आती है? तेरी तो बहुत बिगड़ गया है। चीयर्स। चीयर्स क्यों बोलते हैं यार? रुको मैं बताता हूँ। अरे वाह, गब्बर सिंह आ गया। पवन कल्याण के अलावा हर कोई पवन कल्याण जैसा फील कर रहा है। आई एम नॉट पवन कल्याण, आई एम गब्बर, सरदार गब्बर सिंह। वो गब्बर सिंह है और तू रबर सिंह है। बाप रे।
ए भाई सिगरेट देना। चीयर्स। तुम लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसे मैं क्लैरिफाई करूंगा। आके दारू देखेंगी तो हैप्पी हो जाएंगी, और अगर इसे सूंघेगा तो नोज हैप्पी। हाँ वो देख जीप टच करेगा तो जीप भी हैप्पी एकदम। पी के गिर गया ना तो उसका बॉडी भी हैप्पी। अब देख और बचा ही क्या। मैं बताऊंगा मास्टर। हाँ बोल। कान। क्लेवर बॉय। कान के लिए हम लोग बोलते हैं चीयर्स, और कान को अच्छा लगता है। मास्टर मुझे कुछ पूछना है। जैसे PhD की हो वैसे क्लियर कैसे बता पा रहे हैं? मुझे सिर्फ दो चीजें पता है। वो क्या? एक पावर स्टार पवन कल्याण और दूसरी ये दारू। हेलो वो बोतल मेरी है। तुम्हारे सवाल का जवाब बताने की गुरु दक्षिणा है। एकदम साफ साफ बोलने के लिए स्कूल के दिनों में ही उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर हो सके तो इंटर में पहुंचने के बाद उसको ऐसा फील कराना है कि हम उसके लिए ही जी रहे हैं। और अगर तुम डिग्री करने वाली लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बात करोगे तो भाव ही नहीं देगी। वेटिंग लिस्ट में तत्काल टिकट बुक कराने के बराबर है। कंफर्म होगा या नहीं ये बहुत कम चांस है। क्यों हीरो इतने स्पीड में क्यों जा रहे हो? गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो क्या? चंदू की गर्लफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड्स होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात बताओ तुम लोगों के पास इस टॉपिक के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है? जवानी में बॉयफ्रेंड के बारे में, उम्र होने के बाद भगवत गीता के बारे में, और अगर इसके अलावा कुछ और सोचते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स हैं क्या? ऑफ कोर्स मुझे दो फ्रेंड और दो बॉयफ्रेंड हैं। तो उसमें फर्क क्या है? सेम जेंडर हो तो फ्रेंड, ऑपोजिट साइड हो तो बॉयफ्रेंड। ओह तो तुम्हारा क्या है बॉयफ्रेंड या फ्रेंड? मेरे तो दो हैं, मेरे पास तो तीन हैं। तुम तो हमेशा गेम खेलती रहती हो, तुम्हारे भी तीन बॉयफ्रेंड्स हैं? हाँ। अगर तुम्हारा ये हाल है तो जो डिग्री कॉलेज में पढ़ती होंगी उनका क्या हाल होगा? पक्का चार चार होंगे गारंटी है। बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मेरी दीदी का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हाय। ओह हाय। बाय। कल मिलती हूँ। ओके बाय। हाय। घर जा रही हो? हाँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ। एक्चुअली पापा पिकअप करने वाले हैं। अंकल को क्यों परेशान कर रही हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। वन मिनट। ओके पापा। नो प्रॉब्लम। बाय। चलें। फ्रंट में बैठे तो कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ आज कॉलेज नहीं गई? जब देखो तब प्रैक्टिकल्स या वीकली एग्जाम्स। परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा मतलब आप भी कॉलेज बंक करती हैं? कभी कभी। आपको अर्जेंटली घर जाना है क्या? क्यों रास्ते में एक छोटा सा काम है करके चलते हैं। ओके चलो। थैंक्स। यहाँ क्यों रोक दी कार? मुझे एक ड्रेस खरीदनी है 10 मिनट्स प्लीज। बस यू गया यू आया। तुम्हारा ड्रेस मैं सेलेक्ट करूँ क्या? हाँ क्यों नहीं चलिए। मिनट अंडरगार्मेंट्स तो ऊपर के फ्लोर में है सर। नो थैंक्स। ये लीजिए। ये क्या है? वेल आपने मेरी हेल्प की कपड़े खरीदने में तो मैंने सोचा आपके लिए मैं ये चूड़ीदार ले लूं। लेना है तो लीजिए वरना कोई बात नहीं।
कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम ग्रेजुएट हो ना, तो कुछ प्लान क्यों नहीं करते? प्लान करके पैसे कमाओ, कमा के लाइफ को खुशी खुशी जी सकते हो। कितना कमाएंगे कि लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं? कितना बोले तो कैसे बताऊं, है ना? कितना कमाना है, बिना जाने कमाते जाएंगे तो आखिर में कमाने वाला चला जाएगा। मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। क्यों, कोई कोटेशन है क्या? मैं क्या कोटेशन दूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में बताता हूँ। मैं जैसे ही इस धरती पर लैंड हुआ, मेरे माँ बाप गॉन, मामा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो जैसे तैसे उन्होंने मुझे बड़ा कर दिया और मुझे कार की चाबी देके वो भी चल बसे। बस फिर क्या, उसके बाद मैंने आपके पापा, गीता के पापा, करुणिया के पापा को छोड़ना और लेना शुरू किया, और मैंने बैंक से 3 कार का लोन ले लिया और 2 कार्स सॉफ्टवेयर कंपनी को रेंट पे दे दी। उनसे जो पैसा आता है, मैं और मेरे फ्रेंड्स उससे बहुत हैप्पी रहते हैं। मैंने मामा को प्रॉमिस किया था, इसलिए आज तक उन तीनों को कॉलेज ड्रॉप करता हूँ। एक बात कहूँ, सिर्फ करोड़पति अंबानी लोग ही नहीं, हमारे जैसे लोग भी हैप्पी रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अब चले यहाँ से? हाँ। चंदू, परसों मेरा बर्थडे है। हे, तब तो सेलिब्रेट करेंगे। 2 और कार खरीदना है, लोन दिलवाइए, ये पूछने की बजाय पर्सनल लोन क्यों पूछ रहे हो? क्या रीजन है? नहीं बताने का मतलब पर्सनल बात है। हाँ ठीक है, मैं मैनेजर से बात करूंगा, कल आकर अमाउंट बता देना। थैंक यू सर। ए, क्या हो रहा है ये सब? क्यों दिख नहीं रहा है क्या? बैंक से लोन ले रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? कल लावण्या का बर्थडे है ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। ओ, मुझे पता था तू ऐसा ही बोलेगा, इसीलिए गाड़ी सर्विस करा रहा है। अरे इसे देखो यार, जो चीज इंडिया में नहीं है उसे फौरन से मंगवा के दे रहा है। ए, देख लो, मैटर मेरा नहीं है, उसका है। तू मुझे क्यों घसीट रहा है? ऐसा है, किसी ना किसी का एग्जाम्पल तो हमें देना ही पड़ेगा यार, और वैसे भी तू एक्सपीरियंस एग्जाम्पल है यार। अच्छा, एग्जाम्पल बताने के लिए अच्छे होते हैं, गिफ्ट देकर लड़कियों को मेंटेन करके देख, तब पता चलेगा। यार तुम लोग भी क्यों टेंशन ले रहे हो, उसने कुछ नहीं कहा, मैं अपने मन से दे रहा हूँ यार। अरे रे रे रे, लॉलीपॉप, ये लड़कियाँ ऐसे ही हैं, कभी भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछती हैं। फलाना थिएटर में हॉरर फिल्म अच्छी है, फलाना शॉप में ड्रेस बहुत अच्छे हैं, फलाना होटल में फूड फेस्टिवल हो रहा है, ऐसे बहाने मार मार के हमसे खूब शॉपिंग करवाती हैं लड़कियाँ। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है यार। प्यार करने वाला हर इंसान यही डायलॉग बोलता है भाई, बिल्कुल इसकी तरह, समझा? यार फर्स्ट टाइम कोई लड़की मेरे इतने करीब आई है, मैं नहीं चाहता कोई मौका मैं मिस करूं। हे यार, तुम लोग उसे इतना परेशान क्यों करते हो, थोड़ा सोच कर बोला करना। अरे एक दोस्त के नाते मेरा समझाना फर्ज है। हेलो, कहाँ हो? सुषमा, गिफ्ट दूंगा बोला था ना, कहाँ हो तुम? हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए बाय यार। क्या यार, ये नहीं सुधरेगा। हाय यार। हाय। हाय। क्या कर रहा है? क्या यार, फुल एंजॉय। अब सोच क्या रहा है तू, उसे प्रपोज कर दे। इतनी जल्दी कैसे कर दो? हाँ, अगर तूने लेट किया ना तो इसकी तरह गिफ्ट देते रह जाएगा। ए, मेरे बारे में बोलना जरूरी है क्या? यू नो, हर कुत्ते का दिन आता है। एग्जैक्टली, जानवरों के दिन आएंगे मगर तेरे दिन नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके प्रपोज कर दे। यार परसों वैलेंटाइंस डे है, उस दिन प्रपोज करूंगा। बिना ट्विस्ट एंड टर्न के तेरा प्यार सफल हो गया भाई, मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। ए दोस्त, चीयर्स। ओला ला 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 ले यो, ओला ला। अरे सुनो भाई, ये क्या कर रहा है? क्या हुआ पता नहीं, सुबह से बहुत ही मेहनत कर रहा है। मुझे ना जानू, ऐसे दूर क्यों छिटक रहे हो? है वरना मार डालूंगा। मारने को ही बोल रही हूँ, कहाँ कहाँ मारोगे बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, कहाँ मारोगे बताओ, 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 बताओ ना। कोई भी मर्द मेरी फीलिंग को समझता ही नहीं है। सुनो, अभी तो छोड़ दूँ, लेकिन बाद में तुम्हें मजा चखा के ही दम लूंगी। हाँ, पूरा मूड खराब कर दिया।
अपनी लाइफ में पहली बार मैं किसी को प्रपोज कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जाइए लड़की को जल्दी लेके आइए। सिग्नल मिलते तुझे मैं फोन करूंगा, इतनी टेंशन है तो बीच में मुझे फोन क्यों कर रहा है? ए, आराम से बात करना, फोन रख। ये लीजिए। अरे अब क्या हुआ, कलाई में बांध दी। अरे बाद में फोन करूंगा ना, फोन रख तू। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, फोन रख दे। हाँ ठीक है, अंदर आके उसे उठा लो। हे चलती आ रे, इसकी तो शादी होगी भाई। बेटी अब अंगूठी निकालो। लावण्या की शादी खबर सुनके 3 दिन के लिए गायब हो गया था, और आज उसकी शादी हो गई है तो ये सबको बुलाकर यहाँ पर पार्टी दे रहा है। आखिर इसको हो क्या गया है? हे हे हाय हाय दोस्त, कैसा है तू? हाय लो ना, आज की पार्टी बहुत मस्त थी, है ना? ये वही है ना। हे हाय गाइस। हे बेब्स, लव यू ऑल। पागल है क्या? इडियट, तुम लोग भी मेहमानों की तरह दूर खड़े हो। तू सच में खुश या खुश होने की एक्टिंग कर रहा है यार? मुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है यार? लावण्या की शादी हो गई है जानते हुए। अच्छा, ऐसा कब हुआ? अरे मुझे सब पता है यार। फ्रेंड्स होकर हमें बहुत दुख है यार, और तू तो एंजॉय कर रहा है यार। हे कैसे हो भाई? हाय राज। हाय। बार उधर है, मैं जानता था वो नहीं आएगी। मुझे लगा कि तू डिप्रेशन में चला गया होगा यार। आखिर 14 फरवरी को क्या हुआ था बोल? बताना जरूरी है। बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक है सुनो, उस दिन जब मैं उसके कॉलेज गया। ए हाय। हाय। तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने। एक्चुअली मैं कॉलेज के बाद तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अच्छा, किस लिए? तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आना चाहती थी? तुम पहले बताओ ना। लेडीज फर्स्ट। नहीं बताऊंगी। Yeah.
उसने मुझे अपना वेडिंग कार्ड दिया। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा एक दो दिन किसी से नहीं मिलूंगा, किसी से बात तक नहीं करूंगा, इसलिए मैं माल लेकर अंकल के पास चला गया। ए, खाली बोतल जैसे फेंक देते हैं, वैसे लड़के ने तुझे फेंक दिया यार, वो तो समझ नहीं रहा। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो लड़की वैसी नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि उसने मुझे इस्तेमाल किया, आखिर उसकी गलती क्या है बताओ मुझे। उसको ड्रेस मैंने गिफ्ट किया, ना कि उसने मुझे, वो मुझे दोस्त समझती थी। अब ये सब बातें छोड़ो, अब आए हो तो पार्टी एंजॉय करो। तुम लोगों को मैं पार्टी देता रहता हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हो? ए, ए, हम तेरे दोस्त हैं यार। बस उसी तरह यार, उसने भी मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड ही समझा, मैंने ही कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। अच्छा भाई, असल में तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लव क्या होता है? हे फ्रेंड्स, एवरी डे फ्राइडे होता तो कितना अच्छा होता ना। क्यों री? तो हर रोज कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं। तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो तुम चले जाओ, हम बस से आ जाएंगे। ये रेसिंग कार नहीं है। गुड रेसर। फोन बंद करके देखती तो पता चलता है गाड़ी की कितनी स्पीड थी। तुमसे नहीं बोल रही हूँ, मोबाइल में गेम खेल रही हूँ। क्लास का टाइम हो रहा है, चलो जाओ। चंदू, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो क्या कहना है। आई लव यू। अरे हाथ क्यों धो रही है, खाना हो गया क्या? पेट भर गया। अरे संभल के बेटा, आराम से। बात क्या है, क्या हो गया है इस लड़की को? तुझे तो कुछ भी पता नहीं रहता। इसे सिर्फ सिर झुकाकर ही नहीं हंसना भी आता है। तेरा आइडिया मस्त है यार, सुपर डुपर आइडिया। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए, ऐसा लग रहा था कि उसे सांप सूंघ गया। ये सारी लड़कियां ऐसे ही होती है, लगता है उनके पास अलादीन का जादुई चिराग है जो फालतू गर्मी दिखाती है। है ना, तो खुद पूछ लेना। वैसे यार वो इस मैटर को अपने बाप से तो नहीं बोल देगी? बिल्कुल ना? नहीं बोलेगी, क्योंकि प्रपोज तो उसी ने किया था। बोलेगी तो फंस जाएगी। हाँ, ये क्या कर रहा है? इसने जो इंस्पिरेशन दिया ना, उससे मेरा रेस्पिरेशन बढ़ गया है। कितना दिन गिफ्ट ही देता रहूंगा, आज सब फाइनल करके रहूंगा। कर दे, लगा फोन। हाय प्यारे। क्या है प्यारे, इस टाइम में फोन किया? कोई गिफ्ट खरीदा क्या? तुमसे मिलना है। किस लिए प्यारे? अपनी बात फाइनल करने के लिए। थोड़ा इंतजार करो, तुमसे मिलने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ जान। तुम्हें मना कर सकती हूँ क्या? ठीक है, आ जाओ। ठीक है। यस। हे गर्ल्स, वहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? क्या चल रहा है ये सब? हाँ हाँ, जा रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल बिगड़ गई हो। हाँ ठीक है। ए, सुनो, चलो जाओ यहाँ से। कहाँ से आ रही हो इस वक्त? वॉकिंग करके आ रही हूँ मैम। जाओ जल्दी से अपने रूम में जाओ। ठीक है मैम। तुम लोग भी। खुला है। सॉरी, सुषमा के रूम समझ के आ गई। सही रूम में आए हो। हाय। हे रेशमा, तू भी यही पे है? मेरा रूम भी यही है। हाय। हे सॉफ्टवेयर, तेरा भी रूम यही है? हाँ, मेरा भी सेम रूम है। सुषमा कहाँ है? हाय सीनू। हाय। ये क्या, तुम लोग भी? सिर्फ लड़के ही एंजॉय कर सकते हैं क्या? पी सकती हैं, लड़कियों को क्या कमी है? कम ऑन, जॉइन अस।
लड़कियों के साथ बियर पीने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तू लक्की है सीनू। यस। और क्या है सीनू? वो क्या है ना सुषमा, ये है, ये सब बाद में, पहले इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेनमेंट का खजाना तो सीनू है, वो यहाँ है तो हमें क्या टेंशन। सीनू, सुषमा, अब तुम लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, यही ना? यस। डांस? यस। रेडी हो जा सीनू। बाप रे। इन सबको डांस एंटरटेन करो, उसके बाद हम दोनों। अच्छा। अब बहुत हो। एन मौके पर ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? करो ना। आखिर में आके हाथ ऊपर करेगा तो कैसे चलेगा? मैं भी जाऊँ तो नहीं करूँगा। तेरी तो क्या बोला तूने? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। सुश, तू भी जबरदस्ती कर रही है। सुश, प्यार से तूने माना क्या? मुझसे तो कुछ नहीं कहा। आउट होने तक तुझे डांस करना ऐसा होगा। कहा क्या? हाँ सही सुना तूने। हम सबको डांस करके सेटिस्फाई करना होगा, नहीं तो समझ लेना। करता हूँ। अगर हॉर्न मारा ना तो मार के। ये आज क्या हो गया इसे? ये अभी तक क्यों नहीं आई यार? मुझे क्या पता, मैं अगले लेवल में गेम खेल रही हूँ। तुम तो गेम के पीछे ही पागल हो। छे, आज से वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आज से वो नहीं आएगी। उसकी माँ अभी आके बोलेगी कि आज से मेरी बेटी नहीं आने वाली। नहीं, तुम गलत हो, वो जरूर आएगी। देखते हैं। बा, इसे क्या हो गया? वो देखो, वो आ गई। क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों है? बीमार है क्या? चुप बैठ तू। क्या हुआ, आज बड़ा टेंशन फ्री है? पहली वाली की तरह दूसरी ने भी चप्पल से मारूंगी कहा। अरे ये सब तो होता रहता, तू टेंशन मत लिया कर ज्यादा। क्या लड़कियों के साथ रहना तो इतना तो सुनना पड़ता है यार। तू बड़ा महान है भाई। उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें की मुझसे, हाँ? जब प्यार का प्रूफ मांगा तो साफ सुन गया। पसंद हो? मेरा मतलब जब सिर झुकाती हो तो पसंद हो। 10th क्लास में 2 बार फेल हुई और बोला कि मेरी वजह से। अभी इंटर सेकेंड ईयर है, अब तो ये सब बातें छोड़कर अच्छे से पढ़ लो। क्या चाहती हो, 10th की तरह फिर से फेल होना चाहती हो? इस बार तो पास भी नहीं होगी। अनु, अनु, क्या हुआ? फालतू लोग हैं, इतनी हिम्मत उन लोगों की? लड़के ऐसे ही होते हैं। 1980s में लड़के लड़कियां 1 किलोमीटर दूर रहते थे। 1990s में किलोमीटर कट के 1/2 किलोमीटर हो गया। 2000 में डिस्टेंस बिल्कुल कम होके फ्रेंडशिप के नाम पर लड़के लड़कियों के घर तक आ जाते हैं। अगर हमने स्माइल कर दी तो उन्हें लगता है कि रास्ता साफ है, और उसके बाद गिफ्ट देना, शॉपिंग करवाना, ये सब चालू हो जाता है। उन्हें लगता है कि इससे लड़कियां खुश हो जाएंगी। और आजकल प्रपोज करने वाले दिन ही क्लाइमेक्स में पहुंच जाते हैं, होटल में रूम बुक कर लेते हैं। क्या यार, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, ऐसे साफ साफ बोल रही है? तो फिल्म विल्म नहीं देखती क्या? एटम बम पर यकीन कर सकते हैं लेकिन लड़कों पर कभी भी नहीं। सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, पीछे पड़ के लड़कियों को आसानी से पटा लेते हैं, फिर अपनी मर्जी के हिसाब से लड़कियों को यहाँ वहाँ घुमाते हैं। ऐसे लड़कों को पकड़ कर मारना चाहिए। बी केयरफुल, हाँ, डोंट बिलीव बॉयज।
अनु तुम डायरेक्ट कॉलेज से यहीं आई हो, आ जाओ बेटा। दीदी से मिलने आई हो क्या? हाँ। Hi अनु, how are you? Fine अंकल। How is your studies? Good अंकल। After inter तुम्हारा प्लान क्या है? अब तक तो कुछ सोचा नहीं है। इंटर बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से फ्यूचर शुरू होता है, जो भी फैसला करना संभल के करना। हाँ अंकल, इसीलिए तो आई हूँ। क्या मतलब सोच रही हूँ। देखो बेटा अनु। क्या है जी, इंटरव्यू ले रहे हो क्या? तुम तो कुछ बोलने ही नहीं देती हो। ओके ओके, अच्छा बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके अंकल। तुम बैठो बेटा। माँ और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है आंटी। लावण्या भी अपने माँ से मिलने के लिए बोल रही थी, संतोष फौरन चला जाए उसके बाद ही जाएगी वो। जीजू फौरन जा रहे हैं? नया प्रोजेक्ट साइन करने जा रहा हूँ, अगले हफ्ते निकलूंगा। कॉन्ग्रेट्स जीजू। थैंक यू। कैसी है तू? सुपर। दीदी बहुत ही भाग्यशाली है। पापा। ये क्या माँ, सारा क्रेडिट बहू को दे रही हो, मेरी मेहनत कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, तू भी भाग्यशाली है। ओके, तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ माँ। बाय बाय जीजू। बाय अनु। लावण्या, अनु को अंदर ले जाओ। चल बैठ। ऐसे अचानक आ गई? बताना क्या बात है। दीदी तुमसे एक बात पूछनी थी, सच सच जवाब दोगी? किस बारे में? तुम कभी चंदू के साथ घूमी थी क्या? फ्रेंडशिप में। हाँ वही, फ्रेंडशिप में ही घूमे थे। तो चंदू ने कभी तुमसे मिसबिहेव किया था क्या? अब वो सारी बातें जरूरी है क्या? है, इसलिए तो पूछ रही हूँ, प्लीज बताओ ना दीदी। चंदू बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा बस यही कोशिश में रहता था कि मैं खुश रहूं, पर कभी मिसबिहेव नहीं किया। He is good. वैसे तू ये सब क्यों पूछ रही है? जस्ट कैजुअली पूछा दीदी। वो माँ ने बोला था आपसे कोई साड़ी के बारे में बात की थी, वो दे दो, ले जाऊंगी। हाँ देती हूँ। लगता है क्लास बंक कर दी, कॉलेज छूटने से पहले ही बाहर खड़ी हो। हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता था तुम ऐसे खड़ी हो, तो तुम्हारा नेक्स्ट डायलॉग तो यही होना था। सही कहा ना तुम्हें, जब भी बात करनी होती तुम्हें रेलवे ट्रैक या वैसा कोई बिल्डअप चाहिए होता है। जो बोल रही हूँ वो सुनो। अरे क्या बोलोगी, मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें समझ ना पाऊँ। तुम ये बोलोगी, वो भी भोला सा चेहरा बनाकर, हम जो करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। क्यों यही चाहती हो ना, इतना बिल्डअप देने की क्या जरूरत थी? ये बात नहीं थी चंदू। ए चल हट। अरे मेरी बात तो सुनो, कल मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो तैयार रहना तुम। कल मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तो तैयार रहना तुम। नाइनटी नाइन रन मारे हुए बैट्समैन की तरह तू टेंशन मत ले, वो नहीं आएगी। इतने कॉन्फिडेंट से कैसे बोल रहा है तू? बोलने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है भाई। अपने आप से बात कर रहा है क्या? ए, ज्यादा से ज्यादा तुझे आने को बोलेगी, उससे ज्यादा डांस करने को कहेगी। तुझे डांस आता है ना? उसका इससे क्या संबंध है? हर बात तुझे बतानी पड़ेगी। ए, 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 उसकी बात भी सही है यार, लड़कों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने वाली ये लड़कियां ही हैं। तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब ऐसा बोलने वाली लड़कियां कहां है यार? तुम टेंशन मत लो, वो लड़की नहीं आएगी। ला 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 ले लो, ला 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 ले यो। ला 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 ले यो, ला ला। कहीं अनु तो नहीं आ गई? तुम? मैं नहीं तो और कौन आएगा प्यारे? हाय 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 हाय, क्या बॉडी है। फालतू का एक्सप्रेशन मत दे, भाग यहाँ से। मैं तो प्यार करने आई हूँ, भागा क्यों रहे हो राजा? ए, ए। इतना सेक्सी है, मारते होगे तो मजा आ रहा होगा। एक मिनट और यहाँ आना तो तुझे बैट से मार डालूंगा। अपने बेट से मार डालोगे? मारो ना राजा। ए, चल दूर। हाय, ग्लव्स भी है। तो
ऐसा नहीं मानेगा। चल 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 बाहर चल चल। अरे अरे राजा, दिमाग की दही कर दी, ये मार खा के ही मानेगा। हे बापरे, ये तो यहाँ आ गई, मैंने तो सोचा नहीं था, अब क्या करें? अरे बापरे, इसने देख लिया तो हल्ला गुल्ला मचा देगा। ए, अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी। हाँ अंकल, घर में नहीं है क्या? लड़के से मिलने इतना साड़ी श्रृंगार करके आते हैं क्या? बोलो। ये साड़ी नहीं है, लहंगा और चुन्नी है। अरे जो भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे अपना प्यार प्रूफ करने को कहा था, इसलिए यहाँ आई हूँ। अरे तो मेहरबानी की। ठीक है तो मैं जाती हूँ। अरे अरे राजा। ए, 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 रुको रुको रुको। ऐसे चिल्ला रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति में जीत कर आया हो। नीचे आ जा भाई, ये खुशी उससे भी ज्यादा है दोस्त। तुम लोग हमेशा कहते थे ना कि सिंसियर लड़कियां नहीं होती। तुमने जो मुझे आइडिया बताया उसकी वजह से मुझे अनु मिल गई और वो मेरे लिए बिल्कुल सही लड़की है। वाह, अनु एक अच्छी लड़की है। ऐसे बोल के पागलपन मत कर। आजकल की लड़कियां पहले जैसी नहीं है, किसी के भी साथ चल देती है। उनसे तो सिंसियरिटी एक्सपेक्ट मत कर, टाइम पास के लिए हमसे डांस करवाती हैं। क्या मैं तू छोटी छोटी चीजों पे डांस की बात करता रहता, पागल है क्या तू? सब कुछ बताऊं क्या? अनु सिंसियर है, सोच के सीरियस मत हो। हे, इससे आज तक कोई लड़की नहीं पटी, इसलिए ये मुझसे जेलस है। मैं क्यों जलूंगा बे? और नहीं तो क्या, अनु कितनी अच्छी है ये मैं उसे टच करते ही समझ गया यार। अच्छा, एक ही टच में इसको पता चल गया, तो फिर वो फीलिंग भी बता दे, वो पहली बार तुम्ही से कमिट हुई इसकी क्या गारंटी है? से बात करनी है। बातें नहीं, काम करेंगे। तुमको अगर कुछ चाहिए तो कल तुम मेरे घर आओगी। यू इडियट। लगाना जोर का झटका। तुम लोगों को डेमो दिखाने के लिए मैंने किया। ठीक ठाक दिखने वाली लड़की भी चप्पल मारती है, तो फिर खूबसूरत दिखने वाले अनन्या इसके साथ? अनु के बारे में कुछ भी बोला ना तो जान से मारा लूंगा। छोड़ना। क्या यार, अपने दोस्त पे हाथ उठा रहे? कितनी गंदी बात कर रहा है ये। ऐसा नहीं है यार, एक बार सोच। तू अनन्या को घर से पिकअप कर रहा है और कॉलेज में ड्रॉप करता है, फिर कॉलेज से पिकअप कर रहा है और घर पे ड्रॉप कर रहा है। वो कॉलेज में किससे बात कर रही है पता नहीं, नाइट में किससे बात कर रही है पता नहीं, फिर भी इतना कुछ हो गया। ऑलरेडी पहले ही तू उसकी बहन के साथ गलती कर चुका है, फिर से तू रिपीट कर रहा है यार। ऐसा मत कर यार। क्या बात है, कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? माँ। अरे अच्छी लग रही हो ना? बाय। ए दादी, बचपन में आप इतनी ही सुंदर लगती थी ना? इतनी नहीं। हाँ? इससे भी बहुत ज्यादा। ए दादी।
ले आ गया वो नालायक। हाँ। जा जा जा। अच्छा अच्छा चलती हूँ, बाय। अच्छे से कूटो। आज क्या हो गया है इसे? अनन्या को क्लास में क्यों ढूंढ रहे हो? फिर कहाँ ढूंढो? कैंटीन या किसी पार्क में जाके ढूंढो। क्लास के बाद कैंटीन या पार्क? यू विल नीड देम इन योर एग्जामिनेशन। हाय अनु। हाय। ये कौन है? जब डे में कॉलेज में इतना बात करती है तो रात में फोन पे किससे बात करती होगी? मेरे नु ऐसी नहीं है। किधर पूछना है वो मायने नहीं रखता, कब पूछना है ये मायने रखता है, समझा? असल में दुनिया में ना समझ में आने वाली लड़की नहीं है। बाप रे, सही है ना? तेरे जैसा एक्सपीरियंस मुझे कहाँ है यार। चुप करो यार, अब ये बताओ मैं क्या करूँ? आज 9:30 बजे तक वेट करो। पर तब तक क्या करेंगे यार? ए, वो कौन है, करता क्या है, उसका नेटवर्क क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सारी जानकारी ले लो। रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ नहीं चाहिए? तू रहने दे, तू कर। अच्छा बता, अनु को डांस में इंटरेस्ट है क्या? ये तो जल रहा है। पता हो तो अच्छा होगा ना। चंदू। हाँ। फोन कर। बिजी है, थोड़ी देर बात कर। सुनो, उसका नाम है कार्तिक, बहुत बड़ा आदमी है, फैमिली के बारे में तो नहीं पता, पर करोड़ों रुपए कमाता है, लाखों रुपए खर्च कर देता है, और तो लड़कियों को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता है। लड़कियों को पटाना, उनका यूज करना ही उसकी आदत है, यही उसकी हिस्ट्री है। ए, फोन कर उसे। इसका भी फोन बिजी है, दूसरा नंबर दे। 9848022336। इसका भी फोन बिजी है। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे रुक ना यार, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं, मत छोड़ना। जाकर सीधे पूछ कि तू उसके बारे में सब कुछ जान गया है। ये सब झूठ है, ऐसा बोलकर वो नाटक करेगी और तुझसे झगड़ा भी करेगी। हम मर्द है ना, हमको गुस्सा ज्यादा आता है। उसके बाद हमें क्या करना है देख लेंगे हम लोग।
अरे इतना आसान नहीं होता इन लड़कियों से सच बुलवाना, समझा? ऐसे कब तक झेलेंगे यार, हम बेवकूफ है क्या? अरे यार तू समझता क्यों नहीं है, ये लड़कियाँ एक समय में 2-3 बॉयफ्रेंड मेंटेन कर सकती है एट ए टाइम, और इनकी हकीकत जब हम सबको पता चल जाती है तो बड़ी आसानी से ये हमारा चचेरा भाई ऐसा बोलकर हम सभी को बेवकूफ बना देती है, समझा यार? हम सिर्फ एक को ही प्यार करते हैं और उसके पीछे पागल रहते हैं। अब मैं क्या करूँ ये बताओ। अरे यार ये लड़कियाँ किसी के साथ जैसे भी घूमे घूमने दो, आखिरी में स्टेटस वालों से ही ये शादी करती हैं। तू भी अपनी सोच बदल, तो अन्नू क्या उसकी नानी भी आएगी। माँ फोन हाँ, मुझे भी एक भेजो। रुको दे रही हूँ ना, बात कर रही हूँ दीदी से। हाँ उसे अपना फोन चाहिए इसलिए चिल्ला रही है। आज कुछ भी करके उससे आई लव यू तो बुलवाना ही है। क्या हुआ, अपने आप से बातें की जा रही हो? रिवीजन कर रही थी ना माँ। ठीक है तुम अपनी दीदी की स्कूटी लेकर जाओ। चंदू नहीं आ रहा? मतलब चंदू की कार नहीं आ रही है क्या? अब कॉलेज कार से नहीं जाना है, तेरे पापा ने बोला है, स्कूटी लेकर जाओ। सुबह ही चला गया बेटी। सुबह ही चला गया? कट कर रहा है, कहाँ हो सकता है ये? असल में तुम जैसे लोगों को लोन देने के लिए ही तो हमारा बैंक है, हैं? ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। ऐसा है? हाँ, तुम अगर कार की कंपनी खोलोगे तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, ये तो अच्छी बात है ना? लेकिन तुम्हें एजेंसी देने के लिए कौन सी कार कंपनी रेडी है पहले ये बताओ। वो मानेंगे तो आपका तो ओके है ना सर? डबल ओके भाई। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सबको ये बात बताता हूँ, नहीं सबसे पहले अनु को बताता हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस तुम मेरे साथ डेट पर चलो। कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ? अर्जेंट फोन करके बुलाया? तुमने सही कहा था यार, शी इज अ फ्लर्ट। वो जो चाहता था वो सब हो गया, तो अब वो तेरा चेहरा क्यों देखेगा? तू किस्मत वाला यार कि शुरुआत में ही पता चल गया, अगर ये बात आगे बढ़ जाती तो तेरा क्या होता यार? सारे लड़के लड़कियों से बस एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, और अब वो उसे मिल गई है। अब वो तुझे याद नहीं करेगा, किसी नई लड़की को ढूंढ रहा होगा। फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, अब जो भी हुआ सब कुछ भूल जा। इन दोनों बहनों को मैं ही मिला मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। ए, मच्छर ने क्यों काटा इसका कोई जवाब होता है क्या? प्यार भी वैसे ही है। सॉरी, तू दिमाग से निकाल दे। ए, ए, तुम दोनों जाकर चाय पियो। क्या बोल रही है? चाय पीने के लिए बोल रही है, तू संभाल के रहना। चल क्या है, गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ? और नहीं तो क्या, सुबह कार नहीं लेकर आए, फोन कर रही हो तो काट रहे हो, क्या है ये सब? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सही है, करोगे भी क्यों, मतलब निकल गया ना तो नीचा दिखाओगे। नीचा मैं दिखा रहा हूँ, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो?
जो पूछना है ना वो सीधे सीधे पूछो। ए, चल जाओ यहाँ से। बिना सच्चाई बताए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो ना। पूछूं? ठीक है बताओ मुझे, तुम क्या पहली बार मेरे साथ ही सोई थी या किसी और के साथ ही सो चुकी हो? क्या हुआ, अब चुप हो गई? जवाब होगा तो दोगी ना। मैं नीचे दिखा रहा हूँ। सिंहासन पर भी बिठा दो तब भी एक कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, ये तुमने साबित कर दिया। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे प्रूफ करो, इसके बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ गई थी। मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। तुम जैसे लड़कों के लिए वही लड़कियाँ ठीक है जो तुम्हें पैसों के लिए यूज करती है। गुड बाय। सोचूंगी कि तुमसे कभी मिली ही नहीं, सोचूंगी कि तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, सोचूंगी कि तुम मेरे लिए मर चुके हो। एक बात याद रखना, जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और एक लड़का अगर लड़की से सच्चा प्यार करता है तो ये सब नहीं कहता जो तुमने कहा। पापा। क्या है बेटा? पापा आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? फिर जब ये 10th क्लास में फेल हुई थी ना, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। दादी। ए अनु, क्या कर रही हो तुम? एकदम चुप रहो, बड़ों के ऊपर हाथ उठाते हैं क्या? मुझे नहीं जाना। ठीक है, पहले तुम अंदर जाओ। आज तक उसकी सारी जिद मानी है ना तुमने, इसीलिए ऐसी हो गई है ये। वो जो चाहती है उसे करने दीजिए ना माँ जी। अरे बाप रे, तू भी उसे सपोर्ट कर रही है? मुझे क्या करना है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अशोक सर से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं है, मिल सकता हूँ क्या? चलो जाओ जाओ जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम था। कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा, ईयर एंडिंग है ना, अशोक वर्मा के पास से परमिशन लेके आओगे तो लोन मिल जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। जाओ जाके कुछ करो। अरे जाओ। अनन्या आजकल पता नहीं अपनी ही दुनिया में रहती है, किसी से बात भी नहीं करती, ठीक से खाना नहीं खाती है, पूछो तो कुछ नहीं बताती है। तुम एक बार उससे बात करो। तुम परेशान मत हो माँ, मैं आती हूँ, ठीक है ना? बाय। अनु, अकेली रहकर बोर हो गई होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कंपनी लाई हूँ। मेरे देवर पवन को तो जानती हो ना, वेरी गुड पर्सन, अच्छा कमाता भी है, तेरे जीजा जी की तरह यूएस जाने वाला है। अगर तू हाँ कहेगी तो मैं उससे बात करती हूँ। ढूंढने से भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा,
और शादी के बाद तू अपने दीदी के साथ ही रहेगी तो हम भी सुकून से जी सकेंगे। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो हमें शांति मिलेगी बेटा। मान लो अनु। मेरी प्यारी बच्ची, हाँ कह देना, तेरी शादी हो जाए फिर मैं भी तेरी दादा के पास चली जाऊंगी। तू मेरी प्यारी बेटी है ना? मान जाओ बेटी। हाँ कर दो ना अनु, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी मर्जी। उसका रूप बदलने से पहले उसकी शादी करवा दो, अगर उसने मना कर दिया तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्टेटस नहीं है, और तो और किसी का सपोर्ट भी नहीं है, और नंबर वन पोजीशन मेरी कारों की डीलरशिप के लिए डायरेक्टली मुझसे ही परमिशन मांगने आ गए। बताओगे क्यों? आज से ठीक 25 साल पहले एक आदमी बिना किसी बैकग्राउंड के मैकेनिकल सर्टिफिकेट लेके इस शहर में आया था। बिना किसी एक्सपीरियंस और बिना किसी सपोर्ट के वो धीरे धीरे आज उस कंपनी का MD बन गया। बस उन्हें ही अपना आदर्श मानता हूं। गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने आके खड़े हो। यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे ले जाएगा। युद्ध को ऐसा ही होना चाहिए। मेरा सपोर्ट तुम्हें रहेगा। गो अहेड, मुहूर्त प्लान करो, मैं आके रिबन काटूंगा। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। सर, आपने इतनी आसानी से इसे हाँ बोल दिया? 25 साल पीछे जाके मैंने अपने आप को देखा, ये मुझे बहुत पसंद आया। अरे ये यहाँ कैसे? चंदू, देख मुझे तो तेरा नाम भी पता है, अनन्या ने बताया। एक्चुअली तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदी कॉलेज में जो स्वच्छ भारत प्रोग्राम कंडक्ट किया था ना, उसमें फर्स्ट टाइम अन्नू को देखा। देखते ही ना मुझे बहुत पसंद आई। पकड़ो इसे। ये कौन है जानती हो? जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, वही है। ऑर्गेनाइजर्स ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? पकड़ो इसे। हेलो, के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया, फिर उसी के कॉलेज जाने लगा। मैंने उसी के फ्रेंड्स को अपने ही फ्रेंड्स बना लिया, लेकिन अनु मुझे केवल फ्रेंड्स एक फ्रेंड ही समझती रही। मेरा ईगो हर्ट होता था, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने डेट फिक्स करके उसे प्रपोज करने का प्लान बनाया। पता है उसने मुझसे क्या बोला? बस मेरे साथ डेट पर चलो। कार्तिक, ऐसे फ्रेंड तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आऊंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम मुझे डेट पर बुला रहे हो तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ। मैं पहले ही एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो कोई और नहीं, मुझे जो रोज कॉलेज ड्रॉप करने आता है वही है। अभी तुझे जितना शौक लगा ना, उससे ज्यादा मुझे लगा था। शिट, सहन नहीं हो रहा था मुझसे। बस फिर मैं सिटी छोड़ के चला गया। फ्रस्ट्रेशन में पूरी दुनिया घूमी मैं। चंदू, मल्टी मिलियनेयर अशोक वर्मा मेरे पिताजी हैं। मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हूँ, फिर भी अनु तुझसे क्यों प्यार करती है? ये बात मैं समझ ही नहीं पाया।
फाइनली आई गॉट माय आंसर। और वो पता है क्या है? काश काश मैं तेरे जैसा होता। हाँ चंदू, आज सोसाइटी में 100 में से 90 लोग हम कैसे रहेंगे सामने वाला पसंद करेगा, हम कैसे बात करते हैं तो वो शाबाशी देगा, हम सामने वाले को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं वो ये देखता है। लेकिन कोई भी अपने हिसाब से नहीं जीता है। मुझे ही ले ले, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा करोड़ों का बंगला, मैंने सब कुछ, पूरी जायदाद छोड़ दी केवल अन्नु के लिए, उसे इंप्रेस करने के लिए। लेकिन पता है उसे सिर्फ तेरे जैसा ही चाहिए था, तेरी लाइफस्टाइल, तेरे जैसा एटीट्यूड, आइडेंटिटी, सब कुछ बस तेरे ही जैसा होना चाहिए। इसलिए अन्नू को तू पसंद आया है। अगर तू अन्नू को मिलेगा तब तुझे पता चलेगा कि मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है। कॉमेडी लग रही है ना, हम रेगुलरली मिलते रहते थे फिर भी उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। चंदू देखो, हम लोग कल से नई लाइफ शुरू करने वाले हैं, लेट्स सेलिब्रेट। हमारी बातें भूल जा, ले लेना, इसमें थोड़ा जहर मिला के दे दे यार। क्या बात कर रहा है तू? वो सारी गलती मेरी ही थी, मैंने तुझे गलत राह दिखाया था यार। तेरी, मेरी, इसकी, हम सब की है। हम सारे लड़कों की गलती है, हम सारी लड़कियों को हमेशा एक साथ समझते हैं, और जब वो हमें गलत साबित करती है हमारी ईगो हर्ट होती है, फिर हम छोटी छोटी बातों पर उनसे कंप्लेंट्स करते हैं। सच कहो यार, मैं उसके प्यार के लायक ही नहीं हूँ। सच्चा प्यार उसने किया था, मैं उससे नहीं कर पाया। मार डालो मुझे चंदू, चोर से मार डालो मुझे, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मैंने उस पर शक किया, अनु पर, उस लड़की ने मुझे जी जान से चाहा और बदले में मैंने क्या किया? उस पे भरोसा न करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोड़ दो मुझे, मेरी गलती, सब मेरी गलती है। प्लीज यार, तू, मैं जीना नहीं चाहता। ये क्या कर रहा है? हम अपने पेरेंट्स से सारी बात नहीं कर सकते, सारी बातें हम अपने दोस्तों से करते हैं, लेकिन सच कहूं तो प्यार का एहसास सिर्फ प्यार करने वाले ही जानते हैं। वो एहसास किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये दिल जो है ना, इसमें बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत दुखता है, उसकी याद आती है मुझे। मैं जा रहा हूँ। जल्दी से रेडी हो जा, 10:30 का मुहूर्त है। अनु शादी कर रही है ना? शोरूम की ओपनिंग है, उसका मुहूर्त है यार। समझाना इसको यार। हे चंदू, क्या हो गया यार? अभी तो खुश रहने का टाइम है यार, वहाँ हमारा शोरूम का काम चल रहा है यार, जल्दी जाना है। तू ऐसे क्यों लेट आया? चंदू देख ना, तेरे लिए हम ड्रेस लेकर आए। देख, देख तो, देख कितना अच्छा ड्रेस है। देख ना, देख तो, उठ उठ जा यार। ओके सुपर, वहाँ चढ़ा दे। चल चल चल। सपोर्ट के बाद भी लोग कामयाब नहीं होते, लेकिन तूने बिना किसी सपोर्ट के कामयाबी पाई है, अल्लाह तेरा भला करे। ऑल द बेस्ट राजा। Thank you.
ए चंदू, ए चंदू, तू गाड़ी चला यार। बहुत अच्छा है। जिसका नाम लेते ही सिम का सेल बजने लगता है, अगर तुम उसका नाम जपोगे तो तुम सबके खातों में इतना पैसा आएगा कि माला माल हो जाओगे। महान पंडित आलेश्वर शर्मा अलियास तेनाली पंडित। खुद का ढिंडोरा पीट रहा है ये। सेल ढिंडोरा नहीं है मूर्ख, फेसबुक प्रोफाइल है। सिर्फ फेसबुक पे है कि ट्विटर और कुछ इंस्टाग्राम पे भी है? और हमारी एक स्पेशलिटी भी है। वो क्या है? हमारे बताए हुए टाइम से एक सेकंड भी पार नहीं होता। टाइम पर ओपनिंग करवाने में 25 साल का एक्सपीरियंस है। चिंता की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो रिलैक्स। अरे टिंकू स्वामी, हाँ गुरुजी। देखो पूजा की सामग्री आई कि नहीं। हाँ, लगता है वो बेवकूफ को हमारी पंक्चुअलिटी पे भरोसा नहीं है। अरे चंदू, छोटी उम्र में ही बिजनेस स्टार्ट किया, टाइम पे ओपनिंग कराऊंगा प्रॉमिस किया ना मैंने, हैं? भरोसा नहीं है मुझ पे? ट्रस्ट मी, तुम लोगों को बोला है ना मैंने। हाँ यार गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, टाइम मत देख यार, थोड़ा हंस। थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा। अरे चंदू, मेरी बात ना सुनते हो तू बार बार क्यों टाइम देखता रहता है? 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, बिलीव मी। अब टाइम बिल्कुल मत देखना। हे, वो मैनेजर आ रहा है, थोड़ा चेहरे पे हंसी रखना यार। नमस्ते सर। नमस्ते। हे राजेश जल्दी आ। नमस्ते सर। सॉरी, नमस्ते, नमस्ते सर। अच्छा डिजाइन किया है, कांग्रेचुलेशंस। जाना हमला। ए मूर्ति इधर, ये तुम अपने पास रखो, घर में सजा देना। आइए ना सर। हाँ हाँ हाँ। अरे 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 गुरुजी, गुरुजी क्या क्या कर रहे? एटीएम मशीन में पैन कार्ड लगाने वाले अनपढ़ गवार। गुरुजी गुरुजी, एक्सपीरियंस इतनी उम्र है तेरी, बार बार टाइम देखकर मेरी इंसल्ट करता है तू। मूंछ मोड़ के सवाल करके दो तीन निकाल के लुंगी बांध लूंगा ना। मेरे जैसा गुंडा इस पूरे शहर में नहीं है, खबरदार। अरे हट। अरे इस बार टाइम देखा ना तो देख लेना, काट के रख दूंगा। अरे गुरुजी वो किस लिए टाइम देख रहा है आपको पता नहीं है? मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, चाहिए यहाँ से। हाँ पहले तो उसको समझाना। अरे पंडित जी चलिए चलिए। अरे तेरी तो इधर। अरे यार तू भी ना, ए वहाँ की तैयारी देखो, जाओ जाओ। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें पता भी है? अगर तुम ऐसा ही करोगे तो अनन्या तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इट्स ओवर, उसे भूल जाओ। या तो कहो कि हम जाके उनके कन्विंस करें या फिर उनके हाथों मर जाए हम सब लोग। और कोई रास्ता नहीं है, और तेरी भी लाइफ नहीं है। यार अपनी लाइफ के बारे में जरा सोच। ए, कुछ ही देर में अशोक वर्मा जी आएंगे, अगर तुमको ऐसा देखेंगे तो जो परमिशन दिया था वापस ले लेंगे। मेरी बात मान यार, तू जाके मुंह धो ले यार, जा। गलती की, बहुत बड़ी गलती। मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती, क्या करूं, बचपन में मां छोड़कर चली गई, जिनको
फांसी की सजा होती है उनको भी माफी की भीख मिल जाती है, मुझे नहीं मिलेगी क्या? एक बार मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अनु चाहिए। ये सक्सेस बेकार है मेरे लिए। अनु के बिना ये सब चीजें मिल भी गई तो क्या फायदा। अरे चंदू, अशोक वर्मा जी आए, जल्दी आ। Congrats, my boy. Thank you, sir. Thank you. एक मिनट रुकिए, ओपनिंग के मुहूर्त में टाइम बाकी है। तो अभी क्या करें? वेट करेंगे। ओके। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तभी से मैं तुम्हें पसंद करती आई हूँ। आई लव यू। कल तुम्हारे पास आ रही हूँ, तैयार रहना। जब लड़कियाँ लड़कों से प्यार करती हैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, और लड़के लड़कियों से जब प्यार करते तो ऐसी बातें नहीं करते जैसे तुमने की। अभी कट करिए। लाइफ में ही नहीं, लव में भी सक्सेस हो गए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। करेक्ट टाइम पे शॉप ओपन किया, देखा एक सेकंड का भी बिना देरी के फटाफट कैसे रिबन कटवाया था। दैट इज तेनाली पंडित। तुम किधर चला टेंगू स्वामी? दक्षिणा में एक रुपए की कमी आई तो तुम्हारी सैलरी कट। अरे हमारी दक्षिणा थोड़ी बची हुई है। पंडित इधर आ। अरे क्या कर रहे हो? All the best, my boy. Thank you, sir. शादी से तुम खुश हो ना? एक घंटे में मेरी शादी है और अब आप पूछ रही हैं? एक घंटा भी बहुत होता है। लाइफ बर्बाद करने के लिए एक मिनट काफी है, सुधारने के लिए एक सेकंड काफी है। आप तो कम से कम बता कि क्या हुआ है। नीचा मैं दिखा रहा हूँ, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। चंदू ने ऐसी क्या गलती कर दी? दीदी तुम भी? हाँ तो वो कैसा लड़का है ये मुझसे पूछ कर ही तो उसके पास गई थी ना। अगर उसने तुझसे डायरेक्टली पूछ लिया तो इसमें गलत क्या है? इसका मतलब वो ऐसे पूछ लेगा? हाँ तो ये मन में रखकर कल शादी होने के बाद तुझे शक से देखता वो अच्छा रहता। एक बात ध्यान से सुन ले, बोलने पर सुधरने वाला आदमी अच्छा है, पर जो खुद से बदल जाए वो महान है। चंदू को मैंने भी बहुत बार बोलकर देख लिया कि वो खुद प्लान करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। मैं नहीं जानती कि तूने उसे बिजनेस के बारे में कुछ कहा या नहीं, पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। सोच कर देख अनु, आज हम जो फैसला लेंगे उसके बारे में सोच कर आगे पछतावा ना हो, इसलिए कह रही हूँ तुझे। जो भी डिसाइड करेगी सोच समझ कर कर।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद माँ और पापा को मैं कन्विंस कर लूंगी। मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझे माफ कर दो। श्री राम ने भी किसी के कहने पर सीता पर शक किया था, वैसे ही तुमने अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर मुझ पर शक किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी शक करती। इस गलती की सजा देने के लिए क्या तुम मुझसे शादी करोगे चंदू? कुल मिलाकर शादी एक सजा है, मान लिया। हीरोइन बिलोंग्स टू हीरो, ये ठीक है ना? ओके सर, मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ, हीरोइन बिलोंग्स टू हीरो। बिल्कुल सही। जो सुना उसे सच मानने से पहले, जो देखा उसे सच मानने से पहले, एक बार अपनी मन की बात सुनिए। अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ खुशी है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? हाँ पापा, हम जैसा सोच रहे थे पवन वैसा आदमी नहीं है, वो एक वुमनाइजर है। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं हम? अभी इतनी जल्दी कहाँ से लड़का लाएंगे? चंदू, उसे कभी तमाद नहीं मानूंगा। क्यों क्यों नहीं मानेंगे पापा? आज का चंदू अलग है, वो एक कंपनी का ओनर है, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। प्लीज पापा, मान जाइए ना, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। क्या सोच रहा है, मान जाना बेटा, वैसे भी हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा? वो सब मैं देख लूंगी पापा। ठीक है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार तुम्हें फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है। तुमसे शादी करने वाली लड़की सपोर्टिव होनी चाहिए, परेशान करने वाली नहीं। सही कहा, इसलिए मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा था। मैं इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम जैसे अच्छे लड़के के लिए अनन्या परफेक्ट मैच नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को क्या बताएंगे हम? उन लोगों को मैं समझा लूंगी संतोष। देवर की भलाई के लिए बहन की शादी रोक दी, आप ग्रेट है भाभी। ए सॉफ्टवेयर, क्या कर रही है? आई एम वेरी सॉरी, तुम अगर कहो तो हम शादी करें। सिर्फ एक बार के लिए तो बोल रहा है, इसकी बात मान जाओ। तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो? ए सॉफ्टवेयर,